हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम चिली पनीर बनाने जा रहे हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लहसुन की कलियां और अदरक को एक साथ ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। दो चम्मच मैदा लिया है, एक चम्मच अरारोट लिया है, एक चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, चौथाई चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे और चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। घोल हमारा पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला लगे तो थोड़ा सा मैदा और मिला लीजिएगा। फिर एक एक पनीर के टुकड़े लेकर फ्राई करेंगे। सारे पनीर को एक साथ डालकर घोल में मिक्स कर देंगे। फिर सारे पनीर के टुकड़ों को फ्राई करेंगे। इसी प्रकार उलट पलट कर पनीर को फ्राई कर लेंगे। बस पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटी प्याज ली है और तीन चार मिर्चे लिए हुए हैं। इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा तड़का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज की कटिंग थोड़ा दूसरे टाइप की है, वैसे ही आप भी करिएगा। और शिमला मिर्च भी थोड़ा बड़ी काटिएगा। मैंने चिली पनीर मसाला लिया है, इसको पानी में घोलकर हम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमने चिली पनीर मसाला को घोल लिया और घोल करके सब्जी में डाल दिया। चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे, चौथाई चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च लेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। दोस्तों, ये मेरा होममेड सिरका है। होममेड सिरके से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच होममेड सिरका लिया है। एक चम्मच हल्दी डालेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये मेरा जो बचा हुआ थोड़ा सा घोल है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला करेंगे और सब्जी में डाल देंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए। इसे हम 5 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। ये सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, ये सब्जी थोड़ा अधपकी टाइप रहती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें पनीर के टुकड़े डालेंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी चिली पनीर सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। तो दोस्तों, देखा आपने चिली पनीर की रेसिपी कितनी सिंपल है। अगर आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।